तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने महात्मा गांधी और मोहम्मद अली को लेकर दिए गए अपने बयान पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरा बयान गलत था तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। बता दें कि बीते दिन दलाई लामा ने एक कार्यक्रम में कहा था कि महात्मा गांधी चाहते थे कि मोहम्मद अली देश के शीर्ष पद पर बैठे, लेकिन पहले प्रधानमंत्री बनने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने आत्म केंद्रित रवैया अपनाया था। ट्रिपल तलाक बिल पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि इस पर हमारी पार्टी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, आगे वो कुछ और नहीं कहेंगे। दिल्ली में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म होने का मामला सामने आया है। ये छात्रा गोल मार्केट स्थित सरकारी स्कूल की रहने वाली है। इस घटना के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। विश्व बायोफ्यूल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2022 तक पेट्रोलियम में 10% इथेनॉल मिलाने और साल 2030 तक 20% इथेनॉल मिलाना सरकार का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया। नक्सलियों की तरफ से 2 बसों और 1 ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। बता दें कि ये घटना बीते दिन की है। केरल में बारिश और बाढ़ के कारण राज्य में कई मौतें हो चुकी है। बता दें कि ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक गांव में दलितों व ठाकुरों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष के दौरान चले लाठी डंडे और धाराधार हथियारों से जहां एक दलित युवक की मौत हो गई, वहीं 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर 8 थानों की पुलिस पहुंची और स्थिति को संभालने में जुट गई। संसद में मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। आज केंद्र सरकार राज्यसभा में अति महत्वपूर्ण 3 तलाक बिल को पेश कर सकती है। बता दें आज संसद में हंगामे होने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। 24 घंटों में टोरंटो में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। कुछ इलाके पानी में घिर गए और बाढ़ के आसार बने हुए नजर आ रहे हैं। ग्राहकी कमजोर होने के कारण आजादपुर मंडी में प्याज के भाव आज कम हो चुके हैं। बता दें कि 50 रुपए से घटकर 40 रुपए आज प्याज का भाव हो चुका है।